हेलो फ्रेंड्स, मैं अफजल इस्लाम, आप देख रहे जहानाबाद ब्लॉगर। अभी फिलहाल वक्त हो रहा है 11:50 और आपको लिए चलते जहानाबाद के पंचमहला मंदिर पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जहानाबाद ब्लॉगर आईडी है, जाकर फटाफट आप फॉलो कर ले, आपका भाई मिलता है थोड़ी देर में। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म का लेके यहाँ पे सब महिला लोग आ चुके हैं, श्रद्धालु भी आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग ऊंटा मोड़ मंदिर पे हैं। जाके मेरे पीछे छुप के वो आंख बड़ी मटकाता, जाके मेरे पीछे। देख सकते हैं अभी हम लोग ऊंटा मोड़ मंदिर पे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जन्माष्टमी की धूम मची है यहाँ पे। और वीडियो बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें आप। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भीड़ हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्यौहार। और देख सकते हैं आप, वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। बस कुछ ही टाइम और बचा है, 2 से 3 मिनट और बचा है, बस तुरंत यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। और वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। बस कुछ ही टाइम और बचा है, बस तुरंत हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का उत्सव। कृष्ण जी को कैसे नहलाया जाता है अगर आपको पता है तो कमेंट करें। ऐसे भाई मैं खुद भी बता देता हूँ कि दूध, दही, मीठा, शहद और एक चंदन लगता है, ये तमाम चीज़ इसमें नहलाने में लगता है। और जहाँ तक हमको लगता है, ये फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रहा था तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इतना अच्छा लगा कि पता नहीं कि मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कितना मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे प्यार और सपोर्ट दोनों मिला। और साथ में आपसे भी गुजारिश करते हैं कि वीडियो में प्यार और सपोर्ट बनाए रखें कि आप ही के बदौलत मेरा सब्सक्राइबर 1700 पार कर चुके हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। 2K पे आपसे मिलेंगे हम। जैसे ही मेरा 2K होगा तो मीटिंग पॉइंट आप लोग से वादा कर रहे हैं कि मीटिंग पॉइंट रखेंगे जहानीबाद में। आप लोग आइए, जो आपके दिल में सवाल है कि YouTube स्टार्ट करना है कि क्या करना, वो सब चीज़ पे बात होगी। चलिए वीडियो को आगे की ओर लेके चलते हैं। जैसे ही 12 बजे पूरे जहानाबाद शहर में एक ही गूंज उठ पड़ा, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये गूंजों से उमड़ गई भीड़। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि जहानाबाद में भी इतना अच्छा से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। और ये जहाँ तक बता दें, भादो महीने के 8 तारीख जो अष्टमी कहा जाता है वो मनाया जाता है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा कि बस हम आए हैं रात में और वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। लगा 12 बजे रात नहीं, 12 बजे दिन हो रहा और बहुत ही अच्छे से मनाया गया जहानाबाद में जन्माष्टमी मनाया गया। और आप सभी को जहानाबाद ब्लॉगर की तरफ से भी इस जन्माष्टमी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता है जहानाबाद ब्लॉगर।
और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे आप। अगर आपके भी नज़र में कोई कंटेंट है जिसको आप जहानाबाद में अनएक्सप्लोर चीज़ है, अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट करें, हम उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे और जहानाबाद को भी दिखलाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो कैसा लगता है वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और वीडियो में आगे बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। भक्तों को नैन तरस रहे हैं कृष्ण भगवान को देखने के लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है और ऐसा नहीं लग रहा है कि जहानाबाद में भी इतने अच्छे से मनाया जाती है जन्माष्टमी, क्योंकि पिछले साल हुआ था जन्माष्टमी कोविड के दौरान, तो सिर्फ पंडित जी लोग आए, अपने विधि विधान को सब किए, पब्लिक मोमेंट नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे आरती अर्चना होने वाली है और देखिए भोग लग रहा है भगवान को यहाँ पे प्रसाद। जन्माष्टमी के अवसर पे इनका श्रृंगार भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे किया जाता है। अभी फ़िलहाल देखें कि कैसे भोग लग रहा है वो पूरा वीडियो, और पूरा वीडियो में बने रहें, वो हर पहलू आपको दिखलाएँगे जन्माष्टमी का, टोटल चीज़ आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो लगेगा आपको। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। छोटे से कान्हे को मिश्री और मक्खन इतना पसंद था कि दूसरों को घरे से भी चुरा लेते थे, इतना अद्भुत इनका नज़ारा था क्या मैं आपको बताऊं। इसलिए इनको एक नाम और दिया जाता है, नटखट कांध। There's a distance between us. To reach out, haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away.
got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. चलिए यहाँ से निकलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।